नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट, सबसे पहले सबसे तेज। वर्मा जी, एक थोड़ी देर बाद। आरती सिंह राव हैव बीन नॉमिनेटेड एज अ कैंडिडेट टू फिल अ सीट इन द अटेली लेजिस्लेशन असेंबली। डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड एंड दैट आई विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। निश्चित रूप से दिल्ली का विकास जोर शोर से होगा और हरियाणा में पैसा जिस प्रकार से आपने एम्स जैसा बड़ा उद्घाटन करके इस क्षेत्र में किया है और आज आपने करवाया है, निश्चित रूप से एक अकेले की हरियाणा के अंदर एक अलग से छाप बनाने का काम करेंगे, क्योंकि भारत सरकार में भी आप है और बैंक का नेतृत्व भी है। साइड हो जाओ भाई, साइड हो, साइड हो, साइड हो जाओ। अरे लिया भाई, माइक ले आओ, माइक ले आओ, आराम 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 से आराम भाई, लगता मत सर। आज नॉमिनेशन करवाने आए हैं, ओम प्रकाश जी का भी नॉमिनेशन होगा, किस तरह से देखते हैं कि कितनी सीटें आप भाजपा को दिला पाएंगे? देखो, हमारा प्रभाव ज्यादातर दक्षिणी हरियाणा के अंदर है और गुड़गांव से लेकर के नांगल चौधरी तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि सारी की सारी सीट जनता भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाले। जी अच्छा, आपकी बार ज़्यादातर सीटों के ऊपर आपके कैंडिडेट मिले हैं आपको, तो आप दक्षिण हरियाणा से लगता है कि अब की बार कहीं ना कहीं चौधरी की जो लड़ाई थी वो पूर्ण करवा पाएंगे? देखो, पार्टी ने मेरी सीट या किसी और की सीट के नाते टिकट नहीं दिए हैं, सर्वे होते हैं और सर्वे के आधार के ऊपर जो सबसे सर्वप्रिय कैंडिडेट नज़र आता है उसको टिकट मुहैया करती है। तो मैं समझता हूं कि ये सौभाग्य है कि जो लोग मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए थे तो सर्वे के अंदर उनका नाम सबसे अव्वल आया और उनको टिकट मिली। आरती राव को टिकट मिली, आज नॉमिनेशन किया है, किस तरह से चुनाव की प्रक्रिया है कि आप क्या कर रहे हैं? चुनाव तो जनता लड़ेगी, हमने तो अपना टिकट दिलवाने का काम कर दिया, अब जनता चुनाव लड़ेगी। देखो, ये अहिरवाल की जनता का कई सालों से सपना है, लेकिन 10 साल पहले जब मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने साथियों के साथ शामिल हुआ था तो उस टाइम तक कई लोग पार्टी के अंदर मुझे बाहर का एक व्यक्ति माना करते थे। मैं समझता हूँ जो मैंने और मेरी बेटी ने 10 साल मशक्कत करी है पार्टी के लिए, तो हमारे को शीर्ष नेतृत्व ने आज के दिन स्वीकार कर लिया। सर, नाराजगी जो है और प्रत्याशी थे उनकी कहीं ना कहीं नाराजगी भी नजर आती है, उसको किस तरह से खत्म कर पाएंगे नाराजगी जो है? और देखो, हम तो प्रयास ही कर सकते हैं, लेकिन फैसला तो जो इंडिविजुअल होता है वो मन से अपनी वोट देता है। हम तो नाराजगी के लिए सभी से कहेंगे कि हमारा साथ दो, एक बार तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, और इस बार जब दो बार आप लोगों ने सरकार बनाने के अंदर पूरा योगदान दिया था तो क्या पता इस बार आपके योगदान के साथ हमारा
जो आशाएं हैं पब्लिक की आशाएं हैं उनकी पूरी हो जाए। आज रामविलास जी भी नामांकन कर रहे हैं सर, वहाँ भी जाएंगे आप, उन्होंने वोटिंग में आपका? हाँ, मैं पहले तो जाऊँगा नारनौल, ओम प्रकाश जी का पर्चा भरवाने के बाद वहाँ पर लोगों को संबोधित करना चाहता हूँ, और उसके बाद रामविलास जी के घर होता हुआ मैं यहाँ पर वापस आऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि पार्टी इनको टिकट इस टाइम तक दे देगी। बहन जी, आज नॉमिनेशन किया है, किस तरह से अब मैदान में अब चुनाव की तैयारियों को लेकर हैं आप? जी आज नॉमिनेशन हुआ है पहली बारी, 10 साल के बाद मैं पहली बारी एक टिकट मिला है, मांगती रही हूँ मैं, और मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बारी मुझे टिकट दिया है, और मैं लोगों की आशाओं पर पूरी उतरना चाहती हूँ और पूरे मन और लगन से मैं इस इलेक्शन में नीचे आऊंगी और मैं सभी का साथ और आशीर्वाद मांगूंगी। दक्षिणी हरियाणा की जो आवाज़ थी आपके पिता को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि भाजपा ने बहुत सारी टिकट दी हैं अब की बार राविंद्रजीत सिंह के कहने से? तो जैसे राव साहब ने भी पहले कहा कि लोगों की आवाज़ उठी थी और लोगों की ये तमन्ना है, और जैसे टिकट बांटे गए हैं उस पर लगता है कि सबसे बेहतरीन जो उम्मीदवार हैं दक्षिण हरियाणा के उनको दी गई है। तो राव साहब के साथ और आप सभी के सहयोग के साथ अगर हम आने वाले लेजिस्लेटिव असेंबली में सरकार बना सके, तो इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना सके, इसलिए हम सबके लिए पूरा परिश्रम करेंगे।